प्रथम तहलका न्यूज। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन में पहुंचे और वहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बता दें कि ये बैठक भाजपा द्वारा आगामी वर्चुअल रैली की तैयारियों के जायजा लेने के लिए की गई है। और इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना के कारण ऐसा दौर आया है जब लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना काल में बीजेपी ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली का फैसला लिया है। सुभाष बराला ने कहा कि मोदी सरकार के एक साल में किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये वर्चुअल रैली की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आगामी 14 जून को प्रदेश के नेतृत्व की ओर से पहल। आपको बता दें कि आगामी 14 जून को प्रदेश के नेतृत्व की ओर से पंचकुला से रैली को आयोजित किया जाएगा और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन रैली को संबोधित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बता दें कि इस रैली को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली में प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन में वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने आगामी 14 जून को होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जब से ये कोरोना संक्रमण के कारण से एक ऐसा दौर आया है कि बड़ी संख्या में हम लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, कैसे हम लोग राजनीतिक और अन्य गतिविधियां अपनी जारी रखें, इस बात पर जो विचार हुआ तो पार्टी ने तय किया कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल सिस्टम, इसके माध्यम से हम लोग अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। और अभी क्योंकि इस पिछली 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में बने, उसको बने हुए एक साल पूरा हुआ और हमारा पूर्व की भांति जब एक साल पूरा होता है हमारी प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, हम कार्यक्रम करते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां लेकर के जाते हैं, तो वैसा ही ये तय हुआ कि हम 30 तारीख से अपनी केंद्र सरकार की एक साल की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, कोरोना से पूर्व की, कोरोना के दौर की हम जनता तक लेकर के जाएंगे। और उसमें हमने अलग अलग तरीके तय किए। एक अभी हमारा प्रत्यक्ष संपर्क अभियान जैसे चल रहा है, उसमें पार्टी के जो फोल्डर हैं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के और खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो एक पत्र है जनता के नाम, वो और इसमें ये बात कही गई है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की और उसमें कैसे हम स्वदेशी के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं, ये सारी बातें इस दौर में चल रही हैं, प्रत्यक्ष अभियान में चल रही हैं। और इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा अभियान है वर्चुअल रैली, वो हमारा शुरू एक किस्म से 14 तारीख से हरियाणा प्रदेश का होगा, उसमें प्रांत की एक वर्चुअल रैली हम लोग करेंगे और उसके बाद विधानसभाओं की वर्चुअल रैलियां करेंगे। इन वर्चुअल रैलियों में जैसे खास करके अभी जो हमारी पहली रैली तय हुई है 14 तारीख को, इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी रहेंगे, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी इसमें रहेंगे। तो ये रैली यहाँ से हमने इसको करने का विचार किया है, इस अग्रवाल भवन में यहाँ पर हमारा सेटअप लगेगा और यहाँ से ये रैली जितने भी हमारे डिजिटल संसाधन हैं इनके माध्यम से ये टेलीकास्ट होगी और 30,000 कम से कम लोगों के पास इसका लिंक जाएगा। ये लिंक जो जाएगा उस पर हम लोग अपना स्मार्टफोन है उस पर देखेंगे, उस पर लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे प्रत्यक्ष स्क्रीन लगा करके कुछ स्थानों पर इसको देख पाएंगे। ये 30,000 लोगों के पास ऐसा लिंक जाएगा। और दूसरा जो फेसबुक से इसका लाइव रहेगा, अलग अलग जो केबल चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, इनके माध्यम से लाइव रहेगा, तो मतलब लाखों लोगों तक ये हमारी रीच जाएगी। ऐसा सिस्टम हमने बनाया है और इसमें जो हमारे वक्ता हैं कैसे हम लोग स्वदेशी के रास्ते पर चलते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाएं।